so i'm again back with part 2 of chapter number 8 education and british rule student i hope you all have seen part 1 of this chapter if not do watch it yes students so till here we have completed everything in part 1 we start part 2 with role of the government सो स्टूडेंट इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी एंड वट डू यू मीन बाई अर्लींची द पीरियड ऑफ एटीन टन एटीन ट्वेंटी थर्टीज है ना इसको बोलेंगे हम अर्ली नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी का मतलब ही क्या हुआ द पीरियड विच स्टार्ट फ्राम एटीन जीरो पीरियड को हम क्या बोलते हैं बच्चा नाइनटीन सेंचुरी अभी हम अर्ली नाइनटीन सेंचुरी की बात करें हैं, तो एटीन टन एटीन टी एन थर्टी वाला थर्टी भी लेट हो गया है ना लेट नहीं हुआ मतलब एटीन टेन एटीन ट्वेंटी तक का जो पीरियड होगा उसे हम अर्ली नाइनटीन सेंचुरी बोलेंगे तो अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में जो लोग थे इंग्लैंड के उन्होंने ऐसा उनका ऐसा सोचना था ऐसा फील करना था कि एजुकेशन में गवर्नमेंट का एक इम्पॉटेंट रोल होता है और गवर्नमेंट का ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो ये इंश्योर कराएं कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं जिन लोगों के ऊपर वो कंट्रोल कर रहे हैं वो खुश रहें ठीक है सो इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी पीपल ऑफ इंग्लैंड बिगेन टू फील दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स मतलब क्या जिन लोगों के ऊपर रू, uh, रूल कर रहे हैं ठीक है अब यहीं पर एक uh, पर्सन थे जिनका नाम था जेम्स मील स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ये कहाँ से बिलोंग करते थे बेटा स्कॉटलैंड से ठीक है एंड फाइनली अगर हम ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन की बात करें वो अलग अलग हैं आप लोग आपके क्लास नाइन में पढ़ेंगे या क्लास टेन में पढ़ेंगे ठीक है अभी हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ये समझ के तो स्कॉटलैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट है वहाँ के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स मिल पॉलिटिशियन भी थे सिविल uh, सर्वेंट भी थे मतलब पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट था सिविल सर्वेंट तो थे ही और इकोनॉमिस्ट भी थे तो इनका मानना ये था कि जो ओरिएंटल लर्निंग है ये बहुत ही अनसाइंटिफिक है अनप्रैक्टिकल है मतलब ये ये बोलना चाह रहे जो ओरिएंटल लर्निंग यहाँ पे जो इंडिया में दी जा रही है जो बी ईस्ट में दिए जा रही है ये हाईली अनसाइंटिफिक है अनप्रैक्टिकल है बहुत अच्छी नहीं है ऐसा किसका सोचना था जेम्स मिल जेम्स मिल कहाँ से बिलोंग करते थे बेटा स्कॉटलैंड अब मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते देखो एक तो कंट्री हो गई इंग्लैंड सबको पता है अब इस इंग्लैंड ने अपने आप को यूनियन ऑफ एक्ट के साथ यूनियन ऑफ एक्ट पास हुआ किस किस को अपने साथ ले लिया स्कॉटलैंड और वेल्स को जब वेल्स स्कॉटलैंड और इंग्लैंड साथ बन के मिल के एक यूनियन बनाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा ग्रेट ब्रिटेन और अगर इस वेल्स में हम नदर्न आइलैंड नॉर्दर्न आइलैंड का जो पार्ट है उसको भी जोड़ दें तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम ठीक कोई बात चलो क्योंकि कन्फ्यूजन होता ही है ना हमें एक इंग्लैंड है फिर हम लोग बोलते हैं हमारे ऊपर रूल इंग्लैंड ने किया फिर हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे ऊपर रूल करते थे वो लोग ब्रिटिश थे तो क्या डिफरेंस है इंग्लैंड में इंग्लिश पीपल में ब्रिटिश पीपल में तो यही डिफरेंस है कि अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड एज अ कंट्री पर इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ मिलकर एक यूनियन बनाई जिसका नाम था ग्रेट ब्रिटेन फिर ग्रेजुअली इन्होंने किसको भी अपने कंट्रोल में अपने साथ ले लिया अपने साथ एसोशिएट किया नॉर्दर्न आयरलैंड और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड जब इनके साथ आ गया तो इसे फिर क्या कहा जाने लगा यूनाइटेड किंगडम चलो ठीक है छोड़ो तो इसी में से ये जो स्कॉटलैंड था इसका इकोनॉमिस्ट थे इसके एक पर्सन थे जिनका नाम था जेम्स मिल जिनका ये मानना था कि वट एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग अंडर ओरिएंटल हेडिंग इट्स नॉट साइंटिफिक इट्स नॉट अनप्रैक्टिकल ये ऐसा मान रहे हैं कि भैया ये तो साइंटिफिक भी नहीं है ये तो प्रैक्टिकल भी नहीं है तो ऐसे एजुकेशन देने का तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसा कौन बोल रहे हैं अभी जेम्स मिल बोल रहे हैं ठीक है अभी ही नहीं बोल रहे मतलब उनके टाइम में बोल रहे थे अभी ने अगर हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में या ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉन्स दिख रहे हैं इट मीन्स ये सेटिसफाई नहीं है तो जेम्स मिल का मानना था कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न फिलोसफी वेस्टर्न साइंस फॉर दीपल इन इंडिया अब जेम्स मिल क्या कह रहे हैं आप इंडिया में वो पढ़ाओ जो वेस्ट में पढ़ाया जा रहा है यूजफुल है ठीक है अब ऐसे लोग जो इस फिलोसफी को ज्यादा तवज्जो मतलब ज्यादा वेटेस देने लगे कि नहीं हमें वेस्टर्न फिलोसफी वेस्टर्न साइंस पढ़ाना है ऐसे लोगों को कहा गया एंग्लिस्टिक्स ठीक हुई बात एंगलिस्टिक्स और जो लोग चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेज में ही आप एजुकेशन दो इंडिया में संस्कृत है बहुत कुछ अच्छा है जो हमें लोगों को पढ़ाना चाहिए उन्हें क्या कहा गया औरटलिस्ट ठीक है और जो लोग इस फेवर में थे कि नहीं भैया वेस्टर्न एजुकेशन लिया उन्हें क्या कहा गया एंग्लिस्टिक तो ये डेफिनेशन यही लर्न करके जाएंगे आप पीपल हु द सेम व्यू कैन बी रेफर टू एज एंग्लिस्टिक मीन्स द पर्सन हु हैव बिलीव दैट वेस्टर्न हैसफी एंड वेस्टर्न साइन विल डू बेटर फॉर इंडियंस दे आर कॉल्ड दे वर कॉल्ड एंग्लिस्टिक आज भी हम इंग्लिस्टिक बोल रहे हैं और पहले भी इन्हें क्या कहा गया एंग्लिस्टिक तो ठीक है उन्हें क्या रेफर करते हैं हम एंग्लिस्टिक्स नाउ इन द इन अराउंड डिकेड ऑफ़ अराउंडीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी का सेकेंड मतलब ब्रिटिश को ये रियलाइज हो गया वो ये समझने लगे कि वेस्टर्न एजुकेशन अगर हमने एक बार लोगों को देना स्टार्ट किया तो ये बहुत सारे पर्पस इसको सर्व करेगा मतलब बहुत सारे जो हम काम करवाना चाह रहे हैं इंडियन से या जो हम जैसा इंडियन लोगों को देखना चाहते हैं वो बहुत सारे पर्पसेज फुलफिल होंगे अगर हमने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया वेस्टर्न एजुकेशन को अब ये क्या पर्पस थे एक एक करके समझेंगे फर्स्ट so पर्पस था कि इन लोगों को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करना था रिड्यूस करना था द फर्स्ट थिंग दे वॉन्ट टू रिड्यूस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बाय हायरिंग इंडियंस वो गॉट वेस्टर्न एजुकेशन जिन्हें वेस्टर्न एजुकेशन मिला है वैसे इंडियंस को ये अपने पब्लिक ऑफिस में एम्प्लॉय करना चाहते थे जिससे कि जो इनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ये रेड्यूज हो जाए कम हो जाए देखो किसी भी बंदी को आप इंग्लैंड से बुलाएंगे कि आओ इंडिया में आके काम करो ठीक है अब वो इंग्लिश है तो वो अपने हिसाब से आएगा और काम करेगा और उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी पर वहीं पर एक इंडियन को आप ये जॉब दे दोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो थोड़ा सा कम सैलरी में काम करने को रेडी हो जाएगा क्लियर है फर्स्ट पॉइंट सो फर्स्ट दे वॉन्ट टू हायर इंडियन पीपल था कि हम इंडियंस को ब्रिटिश के लिए लॉयल बनाना मतलब वो वो चाहते थे ब्रिटिश चाहते थे कि हम उनके लॉयल बन जाए मतलब उनके वफादार बन जाए लॉल का मतलब क्या होता है वफादार अब वफादार कैसे बनोगे बेटे देखो अगर आपकी एजुकेशन वेस्टर्न तरीके से हुई है ठीक है आप जब आप वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे तो आपका कल्चर आपका देखो जो भी बुक्स में लिखा होता है हम उसके हिसाब से काम करने लगते हैं जब बुक्स में हम वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ेंगे उनके कल्चर को सीखेंगे उनके कस्टम्स हम थ्रू बुक्स जानेंगे तो हम कही कहीं ना कहीं लॉयल बन जाएंगे उनके टूवर्ट्स हमारा टेस्ट हमारा खाना पीना सब कुछ उनकी तरह होने लग जाएगा ठीक है फिर हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी डेवलप होंगी वो भी कैसे वेस्टर्न उससे ही डेवलप होंगी तो हम ज़्यादा लॉयल बन जाएंगे किसके टूवर्ड्स ब्रिटिश के टूवर्ड्स, आज अगर बेटा हम लोग किसी भी मूवीज़ को देखते हैं किसी जैसे कोई कोरियन ड्रामा आजकल बहुत चलते हैं चाइनीज़ ड्रामा बहुत चलते हैं तो हमको पता चलता है ना उनका कल्चर कैसा है वो किस तरीके से पूजा करते हैं या क्या खाते हैं तो धीरे 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 करके हम यूज़ टू हो जाते हैं कि यार चाइनीज़ ऐसा कर रहे हैं या कुरियन लोग ऐसे कर रहे हैं आप इंग्लिश ड्रामा देखेंगे इंग्लिश मूवी देखेंगे तो चलो ये तो बहुत कॉमन है ये तो ठीक है नॉर्मल है तो ये सब आप देख देख के जान जान के आपको सारी चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं लगने लगती हैं ना तो वैसे ही जब आपको ब्रिटिश बुक्स बचपन से पढ़ाई जाएंगी तो आपको अंग्रेजों का रहना सहना वो क्यों किस तरीके से पहनते किस तरीके से बोलते सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा और सारी चीजें नॉर्मल होगी आपको काम देने वाला एम्प्लॉय करने वाला हायर करने वाला भी वो होगा तो अब इसी बात है कि आप उसके टूवर्ड्स क्या हो जाएंगे लॉयल हो ही जाएंगे थर्ड इसको मैंने कुछ कुछ सेकेंड पॉइंट में समझा दिया है कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा अगर एजुकेटेड इंडियंस होंगे तो उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज होगा क्यों क्योंकि वो वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ रहे हैं वेस्टर्न बुक्स को पढ़ रहे हैं तो अब इससे बातें कुछ ना कुछ उसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आएगा आएगा ये मैंने सेकेंड पॉइंट में ज्यादा एलिबरेट कर दिया है तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलूंगी सो दैट दे वुड एक्सेप्ट द ब्रिटिश गुड अब आपको पता है आप में पढ़ रहे हैं ये होता है इसको यूज ऐसे करना है वैसे करना है ना तो आप लोग रेडिली यूज करना चालू कर दोगे ब्रिटिश गुड को यूज करना चालू कर दोगे सो so, अब आपको इंग्लिस्टिक व्यू भी पता चल गया और लास्ट वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ओरिएंटलिस्ट व्यू भी पता चल गया होगा तो एंग्लिस्टिक वर्सेस ओरिएंटलिस्ट की अगर हम बात करें बेटा तो देखो दोनों की फिलॉसफी अलग है दोनों का तरीका अलग है एजुकेशन देने का तो कही न, कहीं ना कहीं वर्सेस वर्ड लिखना बिल्कुल ठीक है चलो अब 1813 में आया चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट कब आया 1813 में 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग हम वन लाख रुपीज़ को किसके लिए सिर्फ कंप्लीटली डेडिकेट करेंगे एजुकेशन इन इंडिया मतलब एजुकेशन इंडिया में किस तरीके से प्रोवाइड करना है कैसे प्रोवाइड करना है तो सेकेंडरी मैटर है अब तो ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया कि एक लाख रुपए हमें प्योरली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए खर्च करना है इंडिया के एजुकेशन के लिए पर कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं दी थी कि ये जो पैसा है ये किस तरीके से यूटिलाइज होगा किस तरीके से यूज होगा

कि भाई इसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए अब ये दो ग्रुप्स हैं अपने अपने तरीके से एजुकेशन देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है एक डिबेट तो हो गई कि वन लाख रुपीज़ को हमको कैसे यूज़ करना है अब वो दो ग्रुप जो आपस में बहस कर रहे हैं कि इसको कैसे खर्च करना है वो थे ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक अब ओरिएंटलिस्ट का अंत्य बचा पीपल हु प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एंड पिट ऑफ वेस्टर्न साइंस ठीक है एंड वेस्टर्न साइड विद यूज़ ऑफ़ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो ओरिएंटलिस्ट थे वो हमारे इंडियन लर्निंग को ही इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग को ही प्रमोट करते थे वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करते थे पर वो भी कैसे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में और जो एंगलिस्टिक्स थे मतलब तो जो एंगलिस्टिक थे वो चाहते थे कि वेस्टर्न लर्निंग दी जाए बस क्शन only only तो जो ओरियंटल थे वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस रखना चाहते थे भले ही वो हिंदी हो मराठी हो गुजराती हो आपकी लोकल लैंग्वेज पर जो वेस्टर्न लर्निंग थी जो इंग्लिस्टिक थे वो वेस्टर्न लर्निंग को इंग्लिश में ही प्रमोट करना चाहते थे अब जो डिबेट डिबेट था वो अल्टीमेटली रिजोल्व हो गया किसके फेवर में एंग्लिस्टिक के फेवर में अवश्य बातें इंग्लैंड से पैसा आ रहा था मतलब ब्रिटेन से पैसा आ रहा था तो वो किसके फेवर में ही सॉल्व होना था जो कि वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करेंगे इंग्लिश को प्रमोट करेंगे तो वो थे एंग्लिस्टिक तो डिबेट सॉल्व हुआ रिजॉल्व हो गया किसके हक में फैसला आया एंग्लिस्टिक जो थॉमस बैविंगटन मकाले थे थॉमस बैविंगटन मशा मकाले एक हाई ब्रिटिश ऑफिशल थे उन्होंने एक मिनट लिखा मिनट मतलब नोट लिखा ठीक है जी ये जो डिबेट था ये रिजॉल्व हुआ किसके पेपर में एंग्लिस्टिक फेवर में फिर थॉमस बेबिंग मुकाल की हम बात कर रहे हैं ये एक हाई ब्रिटिश ऑफिशियल थे इन्होंने एक मिनट लिखा मिनट का मतलब होता है नोट उन्होंने बोला कि एक सिंगल शेल्फ जो है ना ब्रिटिश या वेस्टर्न लाइब्रेरी का वो पूरे इंडियन और अरेबियन लिटरेचर के बराबर है आगे बात समझ में एक सिंगल सेल्फ हमारी लाइब्रेरी का जिसमें इंग्लिश बुक्स रखी हैं या वेस्टर्न लर्निंग की जो बुक्स रखी हैं वो पूरे इंडिया के लिटरेचर को मिला लो अरेबिया के लिटरेचर को भी मिला लो पूरा इतना बड़ा अरेबिया पूरा इतना बड़ा इंडिया फिर भी उनकी एक शेल्फ पूरी बड़ी लाइब्रेरी के एक शेल्फ के बराबर है ऐसा था इस पुरख के कहने का मतलब जिसका नाम था थॉमस बैबिंगटन मकाले ऐसा तो नहीं है बेटा हमारे पास भी बहुत कुछ था बस बात यह है कि हमारे रूलर टू हंड्रेड ईयर्स तक जब ये रहे थॉमस बैबिंगटन मकाले नहीं मतलब इंग्लिश रहे तो इन इंग्लिश ने क्या किया बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जिससे कि हमारा नाम ही खत्म हो जाए ठीक है हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश इन लोगों ने कि अच्छा दूसरा कि ये जो थॉमस बेविंगटन मकाले थे इन्हें जनक माना गया हमारे इंडियन एजुकेशन का आज जो करंट में भी जो हम इंडियन एजुकेशन जो भी एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है वो कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है जब ये बात कह रहे थे उस टाइम इंडिया में कौन गवर्नर जनरल थे विलियम बैंटिक जब कहीं ना कहीं थॉमस बेविंगटन मकाले ने ये बात कही तब हमारे इंडिया में कौन थे बेटा गवर्नर जनरल वो थे विलियम बेंटिक तो उन्होंने एक इनकी बात से बिल्कुल इन्फ्लुएंस होके इंस्पायर होके एटीन थर्टी फाइव में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में ठीक कोई बात इनकी बात इतनी अच्छी लगी मकाले की बात हमारे विलियम बेंटिक को हमारे विलियम बेंटिक क्या गवर्नर जनरल थे एटीन थर्टी फाइव में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें ये कहा गया कि भाई आप सही इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को ही हम प्रमोट करेंगे इंग्लिश मीडियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेट होने लगे इंग्लिश में टेक्स्ट बुक आ गई जिन्हें टीचर्स यूज़ करने लगे गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपना जो सपोर्ट था ओरिएंटलिस्ट ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन को उनकी बुक्स जहाँ पर प्रिंट हो रही थी जितना भी वो थोड़ा बहुत फंडिंग कर रहे थे ओरिएंटल औरियन, इंस्टीट्यूशनस को वो सब विड्रॉ कर लिया सब बंद कर दिया कि अब हम सिर्फ सिर्फ इंग्लिस्टिक इंस्टिट्यूशनस को ही जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन पे बेस करेंगे वेस्टर्न साइंस टेक्नोलॉजी पे बेस करेंगे एजुकेशन सिस्टम वही रहेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे आपको कोई सपोर्ट नहीं देंगे ऐसा किसने किया ब्रिटिशर्स ने किया और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस अब क्या रन कर पाएंगे नहीं रन कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट खत्म हो गया उनसे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई 1844 में इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज 1844 में इंग्लिश को क्या बना दिया गया बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया ठीक है अब जब इंग्लिश एजुकेशन बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है कब एटीन में तो इंग्लिश लैंग्वेज का जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए अगर आप किसी भी पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1844 एंड आफ्टर बिकमिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इट एज कंपल्सरी फॉर ऑल द पीपल टू नो इंग्लिश लैंग्वेज इफ़ दे वांट टू ज्वाइन पब्लिक ऑफिस सरकारी नौकरी चाहिए है तो इंग्लिश को जानना तो बहुत ज़रूरी हो गया नाउ वुड्स डिस्पैच कब आया 1854 में ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट थी ये तैयार करने वाले थे चार्ल्स वुड इसीलिए इसे कहा गया वुड्स डिस्पैच तो 1854 में क्या आया बेटा वुड्स डिस्पैच उसे वुड्स डिस्पैच क्यों कहते थे क्योंकि इसको रेडी करने वाला इस रिपोर्ट को फाइनलाइज करने वाला कौन था चार्ल्स वुड उन्होंने रिकमेंड किया कि आप क्रेडिट सिस्टम का यूज़ करें इंग्लिश मीडियम में स्कूल्स में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ स्कूल चल रहे हैं उनमें क्या यूज़ करना है आपको क्रेडिट सिस्टम एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप हुआ क्या सेटअप हुआ डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम को सुपरवाइज करने के लिए प्रॉपरली कंट्रोल मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाया गया टू डिस्ट्रीब्यूट फंड है तो इनमें फंडरली डिस्ट्रीब्यूट हो इसलिए हमें एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो बनाना ही था जो बना दिया गया ठीक है ब्रिटिशर्स ने बना दिया गया किसके लिए फॉर द सुपरविजन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग ट्रेनिंग टीचर्सोटअप बट आप देखो ऐसे स्कूल्स जो इंग्लिश मीडियम है इंग्लिस्टिक हैं तो वहाँ पर जो टीचर होगा वो भी प्रॉपरली प्रोफेशनल होना चाहिए इसलिए ट्रेनिंग टीचर्स इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप हुए क्या बनाए गए ट्रेनिंग टीचर्स इंस्टीट्यूशन अब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो खोले गए थे पर गवर्नमेंट की नज़र पाठशाला और मकतब्स पे भी थी पाठशाला मतलब जो हिंदू है ना और मकतब जो मुस्लिम्स के लिए चलते थे तो मकतब्स और पाठशाला को भी ये डिसिप्लिन ऑर्डर में लेके आना चाहती थी इसलिए इन्होंने नए रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए और किसके लिए पाठशालाज के लिए और मकतब्स के लिए और फिर ये कहा गया कि अगर आपको ग्रांट चाहिए सरकार से पैसा चाहिए है तो आपको ये टर्म्स कंडीशन तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा टीचर से कहा गया कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाएँ एक फिक्स सिलेबस है जो आपको एक साल में कंप्लीट करना ही है मतलब फिक्स सिलेबस होगा टेक्स्ट बुक होंगी और रेगुलर रूटीन रखना पड़ेगा आपको मतलब एक प्रोफेशनल जो पहले हमारे स्कूल चले आते थे पाठशाला उस इनको भी कहा गया आप एक रेगुलर रूटीन में आ जाओ अच्छा पहले क्या होता था पाठशाला में जो एजुकेशन जो सिलेबस होता था वो बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता था है ना एग्ज़ाम भी उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता था पर ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ के हिसाब से आप जज नहीं करेंगे एवेल्यूट नहीं करेंगे एक यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन पैटर्न करें जिसके थ्रू आप एक बार में सारे बच्चों को क्या करेंगे असेस करेंगे ठीक है पहले ऐसा होता था कि कोई बच्चा किसी काम में अच्छा है तो ठीक है तुम बेटा यही कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें कुछ और पढ़ने की पर अभी क्या कर दिया गया कि एक कॉमन एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन पैटर्न होगा उसको आपको सबको पास करना होगा क्लासेस के फिक्स सेशन हो गए ऐसा नहीं हुआ कि हार्वेस्ट सेशन में आपने बंद कर दी पहले हमारे स्कूल ऐसे ही चलते थे कि हार्वेस्ट सेशन में हम बंद कर देते थे, थे कि भैया सारे बच्चों अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाए पर अब कहा गया ये फिक्स सेशन होगा विदाउट कंसीडरेशन फ़ॉर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस स्टूडेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से स्कूल नहीं चलेगा स्कूल के हिसाब से स्टूडेंट्स को चलना पड़ेगा जो आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं ठीक है जितने भी स्टूडेंट्स होते थे भले वो रिच हो या पुअर हो सबको सेम ही फीस देना है पहले पाठशाला में जो पंडित जी मतलब जो टीचर होते थे जो पढ़ाते थे गुरु वो देखते थे कि यार ये पुअर बैकग्राउंड से तो उसको तो फीस पे दे देते दे थे या उससे फीस नहीं लेते थे, थे राजा महाराजा कुछ ज्यादा फीस देते थे, थे पर नाउ नो कंसेशन फॉर एनी ओके सेम फीस इज गिवन बाय ऑल रिच एंड पुअर सेम आज भी यही हो रहा है आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करें अगर आप एक, एक स्कूल में पढ़ रहे हो तो एक जैसी फीस आपको देनी पड़ेगी अच्छा इससे बहुत मुश्किल हो गया पुअर और हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन का स्कूल अटेंड करना बिकॉज द अमाउंट ऑफ फीस इज सेमस अटेंडेंस इन द स्कूल ग्रेजुअलिटी क्लाइंट और स्कूल में आना धीरे धीरे बच्चों ने बंद कर दिया कुछ बच्चे नए रोल्स के साथ कन्वीनियंट नहीं थे ठीक है कुछ स्कूल्स नए रूल्स के साथ कन्वीनियंट नहीं थे तो उन्होंने इस वो रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर डिसिप्लिन नहीं माना तो उन्हें सरकारी ग्रांट सरकारी एड मिलना बंद हो गई और ग्रेजुअली वो ख़त्म होते गए इससे हमारे इंडिया में मास इलिट्रेसी होगी फिर वो इस मा, मास लिटरेसी के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल बताने लगे इंडियंस को तो पढ़ना ही नहीं है फलाना ढिमका पर बात ये थी कि इन लोगों ने जो जिस पैटर्न को चलाया उस हिसाब से लिटरेसी बढ़नी ही थी देखो आज भी बहुत सारे पेरेंट्स जो सफ़र करते हैं कि भाई इतनी हाई फीस हम नहीं दे पाएंगे इतनी फीस हम नहीं दे पाएंगे तो उस टाइम क्या जरूरत थी फ़ीस को सेम करने के लिए जो ज़्यादा दे सकता है उससे ज़्यादा ली जाए जो नहीं दे सकता उससे ना ली जाए अब स्कूल से हम चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ पे ठीक है विश्वविद्यालय जिन्हें बोलते हैं 1857 में तीन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आई यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकता 1857 में तीन यूनिवर्सिटी हमारे पास थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता देन फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ये कब आई सेवन में आफ्टर थर्टी ईयर तो एटीन में तीन यूनिवर्सिटी हमारे पास थी मद्रास बॉम्बे कलकत्ता 1887 में हमें अलाहाबाद और लाहौर यूनिवर्सिटी मिली नाउ इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अब बेटा पहले हम लोग देखेंगे बैड इफेक्ट्स जो नए एजुकेशन सिस्टम था जो न्यू एजुकेशन सिस्टम था उसने मासिस की एजुकेशन बहुत सारे लोगों को एजुकेशन देने के सब्जेक्ट में सोचा ही नहीं नेग्लेक्ट किया इस बात को देखो फीस आपने कॉमन कर दी है बहुत सारे लोग ऐसे थे उस टाइम में जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उसके लिए आपने कुछ भी नहीं सोचा न्यू एजुकेशन सिस्टम नेगलेक्टेड कंप्लीटली नेग्लेक्टेड द एजुकेशन ऑफ द माफिस कॉमन लोग एजुकेशन के बारे में इस इंग्लिश सिस्टम ने सोचा ही नहीं जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसको भी डिक्लाइन कर दिया गया क्योंकि देखो जो गुरु जी थे वो भी किस हिसाब से मैनेज कर लेते थे, थे कि ठीक है एक ही स्टूडेंट से कोई फ़ीस नहीं मिल पा रही तो दूसरे हम जो किंग्स के जो दूसरे ब्यूरोटिक पीपल हैं रेस्टोक्रेट हैं उनके लोगों को पढ़ा के गुजर बसर कर लेंगे मतलब अर्न कर लेंगे पर अभी क्या हुआ जितने भी रिच थे वो सारे चले गए कहाँ पर ब्रिटिश स्कूल्स में और वो लोग भी आप अपने सिस्टम को कंटिन्यू नहीं कर पाए और चलो ये सारे जब स्कूल्स या मदरसे या पाठशाला बंद हो रही थी तो ब्रिटिशर्स ने भी नहीं सोचा कि चलो कोई अल्टरनेटिव सिस्टम हम दें तो इस हिसाब से लिटरेसी को पढ़ाने का पूरा के पूरा श्रेय जाता है वेस्टर्न एजुकेशन को इंग्लिश लोगों को ब्रिटिश लोगों को ठीक है पहली बात तो कॉमन के लोगों के एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया फीस सेम करके आपने जो हमारे गरीब लोग में पाठशाला में पढ़ रहे थे उनको भी पढ़ने से रोक दिया और फिर उनके लिए कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन भी नहीं बनाए जो एजुकेशन सेंटर्स थे वो मेनली अर्बन एरियाज में थे और कोई प्रोविजन भी नहीं था कि गर्ल्स को एजुकेशन देना है मतलब गर्ल लिटरेसी के लिए भी अंग्रेजी है एजुकेशन सेंटर बेसिकली अर्बन एरियाज में बनाए गए और जो लड़कियों का एजुकेशन था उस पर बिल्कुल बहुत कम ध्यान था सो कोई प्रोविजन नहीं था कि इन लोगों ने और तो हमको बिल्कुल अलग सही सिस्टम देने वाले थे लड़कियों के लिए ऐसा कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया अब ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल आए थे इन्होंने इंडियन लिटरेचर हिस्ट्री लॉ फिलोसफी इस सब की पढ़ाई को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया बिल्कुल नहीं पढ़ा गया और आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं क्या बताओ हम कभी हमारे पूरे इंटायर सिलेबस में कि कभी गीता महाभारत या एक एक ट्वेल्थ क्लास में एक बस हिस्ट्री में चैप्टर है महाभारत के ऊपर है ना और शायद केंद्रीय विद्यालय में सेवेंथ या एट्थ में पढ़ाते हैं बाकी अगर मैं जस्ट प्राइवेट स्कूल मैं जहाँ पर पढ़ा रही हूँ वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ ट्वेल्थ का एक हिस्ट्री का चैप्टर छोड़ दूँ जो कि महाभारत पे है और उसमें भी महाभारत को उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा जिस तरीके से वो है ठीक है अलग ही पर्सपेक्टिव से छोटी छोटी स्टोरीज ले आए हैं एक द्रौपदी की स्टोरी ले आए फिर एक कुछ 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 मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको महाभारत रामायण की ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा जबकि ये वो बुक्स हैं जो आज इंटरनेशनली फिलासफ़र इनको पसंद कर रहे हैं इनको पढ़ रहे हैं इनके ऊपर काम कर रहे हैं बट वी हैव नॉट वर्क अपॉन देन टिल डेट आज तक भी हम इनके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और पता नहीं करेंगे कि भी नहीं गीता आज बहुत फेमस है रामायण बहुत फेमस है और जब से ये द्वारका नदी में द्वारका नगरी मिल गई है समुद्र के अंदर तब से तो ये बिल्कुल साबित हो गया कि भैया महाभारत कहीं हुई होगी तो हमें पढ़ा देना चाहिए बच्चों को ये पर हम नहीं पढ़ा रहे तो ये हम सब कौन सा मकाले सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं तो जब इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ने निग्लेक्ट कर दिया किसको लिटरेचर को लॉ को फिलोसफी को तो सोचो कि हमारे जो मॉरल्स हैं वो किसके हिसाब से बनने वाले हैं ब्रिटिश के हिसाब से बनने वाले हम तो हमारा कुछ पढ़ ही नहीं रहे और फिर हम बोलेंगे हमारे पास तो पढ़ने को कुछ था ही नहीं वो रामायण वो महाभारत जिनके ऊपर आज पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके बड़े बड़े फिलासफर हैं वो रिसर्च कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उस उसके लिए हमने बोल दिया हमारे पास कुछ था ही नहीं साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन जो इंडियंस के लिए थी वॉज ऑल्सो नेग्लेक्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की फॉर स्टाज वॉज ओपन टू यूरोपियन ओनली बेटा जो रुड़की में आज भी रुड़की है ना आईआईटी तो छोड़ दो एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला रुड़की में आज तो आई रुड़की है ना आपको पता ही होगा इंजीनियरिंग कॉलेज खुला रुड़की में वो हमारे लिए नहीं था वो था सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए तो ना ही तो इन्होंने हमें अपना एजुकेशन लेने दिया और ना ही तो इनका हाई लेवल का साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन हमें दिया बहुत कम मेडिकल कॉलेज थी गुड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ग्रेजुअली इंग्लिश एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बन गई इंडियन एजुकेशन इंडियन पीपल uh, के लिए ग्रेजुअली इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अमंग इंडियंस लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पहले थोड़ा मुश्किल होता था कि भैया साउथ की लैंग्वेज अलग है हमारी लैंग्वेज अलग है तो थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी पर अब कॉमनली एक, एक बाउंड बन गया वो बाउंड बनाने वाला वो बाउंड बनाने वाला कौन था इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है तो इंग्लिश लैंग्वेज बन गई कम्युनिकेशन की एम एजुकेटेड इंडियंस लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अब आप केरला में भी कम्युनिकेट कर सकते हो गुजरात में भी कश्मीर में भी थ्रू uh, पर, इंग्लिश पर 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 सब किसके लिए एजुकेटेड इंडियंस के लिए जो अभी भी जो मास है वो तो इलिटरेट है अनएजुकेटेड है उसके लिए आज सच कोई प्रोविजन नहीं है ये तो आपने इंग्लिश सीख ली तो आप ईजिली बात कर पा रहे हो और ये सही भी है बेटा कि आज तक अगर हम यूनाइटेड हैं पूरे इंडिया को यूनाइट किया हुआ है तो वो शायद वो इंग्लिश ही है, है ना लॉन्ग रन ने इसने इंडियंस को यूनाइट किया वेस्टर्न एजुकेशन ने वेस्टर्न एजुकेशन ने हमें लिबरल आइडिया के साथ भी इंट्रोड्यूस किया थोड़ी सी लिबरल सोच हमारे अंदर आ गई हर चीज़ को लेकर वो भी एक गिफ्ट ही है किसका इंग्लिश एजुकेशन का नेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो नाइनटीन सेंचुरी के एंड तक मतलब एटीन एटीज एटीन नाइन्टीज या yeah, 1895 तक लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि भैया ये जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये ठीक नहीं है बहुत डिससेटिस्फ़ाइंग है क्योंकि जो यूथ था उस टाइम में जो इंग्लिश एजुकेशन को ले रहा था वो हर उस चीज़ को एडमायर करने लगा जो कि वेस्टर्न था और एवरी जो इंडियन था जो हर चीज़ वो इंडियंस थी उसको लुक डाउन करने लगा मतलब एक बहुत रिस्पेक्ट नज़र से देख रहा है वो जो भी कुछ वेस्टर्न में चल रहा है और एक बेरुखी है एक डिसरिस्पेक्टेड टू इंडियन सिस्टम इंडियन में जो जो भी कुछ है जो कस्टम है जो ट्रेडिशन है उनको गलत तरीके से देखना और वेस्टर्न में जो भी कुछ अच्छा है बुरा है उसको पूजा करने लगना ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बन के आई जो कि नाइनटीन सेंचुरी के एंड तक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भाई ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो हमारे पर्पज़ को तो अचीव नहीं कर पा रहा है वो ऐसे ही लोग बना रहे हैं जो आपको पसंद है यूथ मतलब पूरी तरह बेस्ट को एडमायर करने लगा उन्हें लगा कि भैया नेशनल एजुकेशन में भी कुछ काम होना चाहिए इस तरीके से कि हमारे अपने कल्चर पे प्राउड करें कौन इंडिया का यूथ इंडिया का यूथ अपने कल्चर पे गर्व करें ऐसा कुछ भी करना चाहिए किसको लग रहा है इंडियंस को लग रहा है स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल नो रविंद्रनाथ टैगोर मुझे बताओ रविंद्र टैगोर ने क्या ऐसा किया है मतलब क्या इन्होंने इंडिया को दिया है, है ना पोएट थे सबको पता है पर एक चीज जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है वो हमें रविनाथ टैगोर ने दी है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो क्या है ठीक है सबको पता ही होगी सब फटाफट लिख देंगे कमेंट में तो एक ग्रेट पोएट थे जिनका नाम था रविनाथ टैगोर उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि जो वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ हैं अच्छे हैं साइंटिफिक लर्निंग भी अच्छी है पर उन्होंने कंडेम किया कंडेम करना मतलब आलोचना करना क्रिटिक क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने कंडम किया बुराई की है कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है इसने पूरी तरह खत्म कर दिया है चिल्ड्रंस की क्रिएटिविटी को ओरिजिनलिटी को क्यों क्योंकि ये लर्निंग इंडिविजुअल लर्निंग एबिलिटी इस पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं उन पे एक जैसा ए, मतलब अलाइन मतलब वो करिकुलम जिसके लिए बच्चा रेडी ही नहीं है वो सबके ऊपर आप थोपे जा रहे हो ये रविन्द्राथ टैगोर को गलत लगता था उनका मानना था कि हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल है एक एबिलिटी है उस पर ध्यान देके आप उस पर काम करें ना कि एक 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 जैसा करिकुलम सब के ऊपर आप क्या कर दें थोप दें मतलब सबको बोले नहीं भैया आप जब इतना सब कुछ पढ़ लोगे तभी आप पास होगे नहीं तो आप फेल हो रामानुज को आप सब लोग जानते होंगे एक फेमस मैथमेटिशियन थे अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बनी है या तो वो देख लें या गूगल पे जरूर पढ़ें किसको रामानुज को तो रामानुज के साथ भी हमारे इंडिया में ये ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की देखो फिर ये भी बात है कि उनको ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट भी किया और अगर आज आप उनकी थ्योरीज़ को पढ़ पा रहे हो तो ब्रिटिशर्स की वजह से पर बेटा वो बहुत टाइम तक तो अपने एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको सिर्फ मैथ्स आता था वो मैथ्स पढ़ते थे और आर्ट्स में हमेशा फेल हो जाते थे तो उस टाइम में आपको इन सब्जेक्ट को मिला के आपको पास होना होता था एक सब्जेक्ट फिलॉसफी मतलब जो आर्ट्स भी होता था वो उसको पास ही नहीं कर पाते थे सिर्फ मैथ्स में पास कर पाते थे तो बहुत टाइम तक तो वो अपनी स्कूलिंग को भी पास नहीं कर पा रहे थे तो रामानुजन ने बहुत प्रॉब्लम फेस की इस सिस्टम की वजह से आप लोग जरूर देखें एक बार या तो उनकी स्टोरी पढ़ लें या तो गूगल पे उनकी लिए जो मूवी है वो देख लें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसी को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ये जो तुम्हारा सिस्टम है कि सबको एक तराजू में तोल देना है बिल्कुल गलत है एक जैसा करिकुलम सबके लिए चलाना है बिल्कुल सही नहीं है आपने चार दीवारों के अंदर बच्चों को कैद कर दिया है उन्हें सराउंडिंग में कुछ पढ़ा ही नहीं रहे एक फिक्स करिकुलम सबको पढ़ा रही हूँ गलत है टैगोर ने 1901 में अपना ड्रीम इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया शांति निकेतन जिसे बोला जाता है अबोर्ड ऑफ पीस अबोड ऑफ़ पीस का मतलब क्या है शांति निकेतन एक ब्यूटीफुल रूलर सेटिंग जिसमें क्रिएटिविटी को अलाउ किया स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं और ये ब्लैंड था वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन का क्योंकि रविन्दनाथ टैगोर को वहाँ के साइंस वहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ के लिबरल आइडियाज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर वो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी पे भी काम करना चाहते थे सो दे हैव मेड अ ब्लैंड ऑफ़ वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन स्टूडेंट्स गुड स्टडी या वैराइटी ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ता था भले वो हिस्ट्री हो हिस्ट्री हो लिटरेचर हो लैंग्वेज हो मैथ्स हो साइंस हो टेक्नोलॉजी हो इवन डांस ड्रामा म्यूजिक स्कल्पचर पेंटिंग बहुत कुछ था शांति निकेतन में द इंस्टीट्यूशन डेवलपड इंटू अ यूनिवर्सिटी और फिर ये इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ फिर आया इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में ये क्या आया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब आया 1906 में फिर एक इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप हुआ काउंसिल बाय दिस काउंसिल इसी काउंसिल में नेशनल द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो कि 1906 में आई थी उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज खो, खोला बाद में ये डेवलप होके के जाधवपुर यूनिवर्सिटी बन गया कलकत्ता की कलकत्ता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी वो इंजीनियरिंग कॉलेज बना जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने 1906 जीरो सिक्स में सेटअप किया था एमंग अदर इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल एजुकेशन वर काशी विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया ये तो अभी भी है जामिया मिलिया है चलो काशी विद्यापीठ भी है मतलब कहीं ना कहीं ये अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं चलो तो न, दूसरे जो इंस्टीट्यूशन आया उसमें था काशी विद्यापीठ नेशनल एजुकेशन के दूसरे इंस्टीट्यूशन में पहला नंबर है काशी विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ जामिया मिलिया जो इनिशियली पहले अलीगढ़ में थी फिर बाद में उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया अब महात्मा गांधी के क्या व्यूज थे तो बेटा महात्मा गांधी ने हमेशा प्रमोट किया है नेशनल एजुकेशन को ठीक है उनका मानना ये था कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे इंडियंस की नीड को सूट करे ठीक है एक बार वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स को 1931 में 1931 में वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स को एड्रेस कर रहे थे वहाँ से जब बोल रहे थे ही लैमिनटेड दैट वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने रोना रोया लेमिनटेड मतलब खेद व्यक्त किया पछतावा किया कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इसने हमारे इंडियंस को और ज़्यादा इलिटरेट बना दिया है आज से अगर हम पचास साल या सौ साल पहले की बात करें तो अभी लोग इतने लिट्रेट नहीं थे जितना हमें इलिटरेट आ साक्षर इलेट्रेट का मतलब होता आ साक्षर बनाने का काम किसने किया है वेस्टर्न एजुकेशन का और इसी पे उन्होंने खेद व्यक्त किया रोना रोया या तो फिर क्रिटिसाइज किया मतलब बोला कि भाई ये सिस्टम तो हमें पसंद नहीं आया है क्योंकि आज से पचास सौ साल पहले भी हमारे कंट्री में इतने लिटरेट नहीं थे जितने इस वेस्टर्न एजुकेशन के आने के बाद हो गए ना बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन अलीगढ़ एंड बड़ोडा अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन आई हेल्प से किसकी एफ से सुर सैद अहमद खान एक रिफ़ॉर्मर थे जो चाहते थे कि मुस्लिम्स को भी मॉडर्नाइज़ किया जाए उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले साइंटिफिक सोसाइटी एट अलीगढ़ बनाई जिससे कि रैशनल थिंकिंग को इनक्रेज किया जाए तो जो सर सैद अहमद ख़ान थे वो एक बहुत बड़े रिफ़ॉर्मर थे उन्होंने मुस्लिम्स को मॉडर्नाइज़ करने की बात सोची इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन किए और साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ बनाई रैशनल थिंकिंग एटीन सेवेंटी में सर सैद अहमद खान ने एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला जिसका नाम था मोहम्मदन मुसलमान इसका अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो वो है मुसलमान मोहम्मदन मोहम्मदन ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की अलीगढ़ में एंग्लो भी है ओरिएंटल भी है मतलब इंडियन और इंग्लिश एजुकेशन को कंबाइन किया जाए है ना तो मोहम्म एंग्लो औरटल कॉलेज खोला एटीन सेवेंटी फ़ाइव में सर सैद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में जिस विच लेटर बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका आज तक नाम चलता है बेटा तो यही बाद में क्या बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मोहम्मद एंग्लो औरिएंटल कॉलेज आज किस नाम से जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस इंस्टीट्यूशन में उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन को सपोर्ट किया इंट्रोड्यूस किया अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आर्ट आर्ट और साइंस भी पढ़ाया गया टेक्निकल एजुकेशन भी पढ़ाया गया और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया अब हम बात करेंगे बरोड़ा की अभी अलीगढ़ हमने कम्प्लीट कर लिया प्रिंसली स्टेट ऑफ बरोडा जा जिसको आज हम बोलते हैं वड़ोदरा वहाँ पर ग्रेट प्रोग्रेस हुई एजुकेशन में क्योंकि वहाँ के जो महाराजा सयाजी राव गैकवाड़ थर्ड महाराजा सयाजी राव गैकवाड थर्ड इनकी एफर्ट से वहाँ पर एजुकेशन ने बहुत प्रोग्रेस की सयाजी राव ने फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की बात की बड़ोड़ा में उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स खोले हायर लर्निंग के बड़ोडा कॉलेज कला भवन टेक्निकल इंस्टीट्यूट कला भवन टेक्निकल इंस्टीट्यूट बड़ोड़ा कॉलेज कब खोले एटीन में तो बरोड़ा में अगर एजुकेशन का क्रेडिट जाता है तो सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड को जाता है और अगर हम बात करें अलीगढ़ में तो वो जाता है सर सैयद अहमद खान को ठीक कोई बात तो सयाजी राव गायकवाड़ ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ओपन किए जिसमें से कि मेन थे बरोड़ा कॉलेज और कला भवन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो खोले उन्होंने एटीन एटी एटीज़ में एटीन 18, एटीज़ में है ना एटीन एटी में नहीं खोले है ना एटीन एटीज लिखा है मतलब कहीं एटी वन एटी टू एटी थ्री की बात कर रहे होंगे उन्होंने बहुत एनकरेज किया लोगों को पढ़ने के लिए सयाजी राव विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरियन नेम्ड एम ए बॉर्डन एम ए बॉडन एक लाइब्रेरियन थे उनकी हेल्प से उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया बरोडा में तो वो कौन से लाइब्रेरियन थे तो वो अमेरिकन लाइब्रेरियन थे जिनका नाम था एम ए बॉर्डन जिन्होंने किसको की सयाजी राव को किसमें एक पब्लिक लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज करने में कहाँ पर बड़ोड़ा में सयाजी राव उनका प्लान था कि वो एक यूनिवर्सिटी ओपन करे बड़ोड़ा में जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को दे साथ में वो आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो वो भी इंग्लिश मीडियम है स्टडीज फाइन आर्ट नर्सिंग इनको भी पढ़ाया जाए उनका ड्रीम था वो पूरा हुआ उनकी डेथ के बाद वैन द बरोड़ा कॉलेज डेवलप्ड इन टू महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बरोड़ा पहली बात सुनो सयाजी राव का प्लान था क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन करे जिसमें इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दी जाए आर्ट की साइंस की टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की ठीक है इवन औरटल स्टडीज़ फाइन आर्ट नर्सिंग भी वहाँ पर सिखाई जाए उनका ये सपना उनकी डेथ के बाद पूरा हुआ जब बरोड़ा कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बन गया महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोड़ा So student I am ending this video here only if you have any doubt, any problem do write in comment section.